नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। पूर्व विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप तय। माविया अली ने 2017 में देवबंद में तय अवधि से अधिक समय तक सभा की। चार साल से मृतक आश्रितों को नियुक्ति नहीं। मंत्री के मुताबिक घाटे की वजह से नहीं हो रही है भर्ती। परिवहन विभाग को निजी हाथों में देने की सुबुगाहट। यूपी से व्यापारिक संबंध मजबूत करेगा फ्रांस। लैपटॉप टैबलेट के क्षेत्र से निवेश करेगी थॉमस कंप्यूटिंग। फीका पड़ा बरेली के झुमके का रंग। 74 साल बाद मिला बरेली का झुमका। आज फाक रहा धूल मिट्टी। भगवा पर प्रहार, सनातन को मिटाने की साजिश। छत्तीसगढ़ के सीएम पर हिंदू महासभा ने किया है पलटवार। बोले, अगर साक्ष्य है तो कार्रवाई करें। चलती बस में 25 साल के युवक की मौत। आसपास बैठे यात्रियों को लगा कि सो रहा है। मां से मिलने बदायूं जा रहा था। लखनऊ में रिटायर्ड आईजी के घर में घुसे बदमाश आहट पाकर भागे। 3 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर। बेटे के स्टेशन पर छूटने से ट्रेन से कूदी मां। गंभीर हालत में एक महिला को झांसी किया गया रेफर। बेटे के साथ जा रही थी बांदा। गोरखपुर में रैन बसेरों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी। ठंड से ठिठुर रहे लोगों को बांटे कंबल। पूछे, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां कैसे आना हुआ। हाथस में कोहरे के कारण दीवार से टकराई बाइक। एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ब्लैकमेलिंग से तंग 12वीं की छात्रा ने सुसाइड किया। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय ने करके आई असली वीडियो, फिर दोस्तों को भेज दी। मोबाइल चोरी के आरोपी प्लास्टिक सर्जन जीआरपी के हवलदार ने किया था आत्मदाह। लखनऊ में है इलाज। आगरा के पिनाट में कोहरे में स्कूली वैन ट्रैक्टर में कोहरे के चलते हुआ है बड़ा हादसा। आधा दर्जन बच्चे घायल। मची चीख पुकार। अंबेडकर नगर से एसडीएम बलिया से ईओ गिरफ्तार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। अपने रिश्तेदारों को मकान देने का मामला। सुल्तानपुर में हुए इब्राहिमपुर कांड में बड़ी कार्रवाई। मदरसा प्रिंसिपल और मौलाना पर लगा एनएसए। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम का एक्शन। बरेली में सड़कों पर अतिक्रमण का कब्जा। शहर में 15 दिन तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। कमिश्नर ने अफसरों को लगाई फटकार। नामी कंपनी का ट्रेडमार्क लगाकर बेच रहा था कपड़ा। शाहजहांपुर में पुलिस ने मारा छापा। नकली जींस टी शर्ट बरामद। मुकदमा दर्ज। सरस्ती में महिला का धारदार हथियार से हमला। खेत में गई थी, लौटते समय पीछे से आरोपी ने किया वार। बहराइच रेफर। गाजियाबाद में महंत मार्टंड को सिर में कलम की धमकी। सिलीगुड़ी के एड्रेस से भेजी चिट्ठी में लिखा, तू जल्दी मिटने वाला है। फिरोजाबाद के वकील हत्याकांड का मुख्यमंत्री ने लिया है संज्ञान। पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री परिवार को सौंपेंगे आर्थिक मदद का चेक। पीएचयू में रैंकिंग की कार्रवाई पर भड़के छात्र। भावी डेंटिस्टों
से कहा हमने नहीं लिया रैगिंग, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। रात्रि 11 बजे के बाद नहीं चलेगी रोडवेज। बस्ती में बंधा टूटने से 500 बीघा खेत जलमग्न, गेहूं की बुआई के बाद फसल डूबने से मेहनत पर फिरा पानी, मदद की गुहार। शामली में खुले आसमान के नीचे पढ़ते मिले बच्चे, ठंड से शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने स्कूल पहुंचे विधायक, बोले ये देखकर दुख हुआ। बिजनौर में आरपीएफ जवान के घर चोरी, ताला तोड़कर लाखों के जेवर समेत नकदी उठा ले गए बदमाश, खाली डिब्बे बाहर फेंके। औरैया में घने कोहरे होने के कारण नहर में डिवाइडर से टकराई कार। घने कोहरे होने के कारण डिवाइडर से टकराई कार, सभी लोग कार में सवार, बाल बाल बचे, बड़ा हादसा होने से टला। अयोध्या में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 टोल प्लाजा के 8 नंबर बूथ पर पलटी बस, हादसे में लगभग 15 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बुलंदशहर में कड़कड़ाती सर्दी और कोहरे में गश्त पर निकले एसएसपी, एसएसपी श्लोक कुमार ने पैदल गश्त कर गुलावटी कस्बे का लिया है जायजा। एडीजी के जाते ही एसएसपी का हुआ तबादला, एडीजी जोन ब्रजभूषण के निरीक्षण के बाद एडिशनल एसपी का हुआ तबादला। लखनऊ के राजाजीपुरम के ई ब्लॉक में 3 मंजिला मकान में लगी है आग, दूसरी मंजिल से आग तीसरी मंजिल तक पहुंची, आग का कहर लगातार जारी। औरैया में नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा, सड़क हादसे में एक की मौत और को बचाने के चक्कर में हुआ है हादसा। आजमगढ़ में नगर निकाय में जो सबसे ज्यादा जीतने वाला होगा उसको ही मिलेगा टिकट, परिवहन मंत्री ने गुटबाजी से किया इनकार। औरैया में सर्दी से बढ़ते सितम को लेकर जिला प्रशासन सख्त, के द्वारा गए इंतजाम का हुआ है रियलिटी चेक। आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर परिवहन मंत्री ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा जनता सरकार के कार्यों और नीतियों से खुश है। देवरिया नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, प्रत्याशी मकसूदन वर्मा का बयान, बोले विकास व शिक्षा ही मेरा लक्ष्य। फरुखाबाद में विधायक पर फायरिंग का जमीनी कब्जे का आरोप, विधायक ने पलटवार करते हुए प्रकरण को बताया राजनीतिक षड्यंत्र। हरदोई में शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में शिक्षकों का अकाल, छात्रों को हो रही है परेशानी, छात्रों ने किया प्रदर्शन। कानपुर देहात में बलवंत सिंह की मौत का मामला में सभी दोषियों को भेजा गया जेल, मामले की एसआईटी जांच पूरी। हरदोई में रंजीत सिंह को पुनः जिला बदर किए जाने पर छत्री महासभा ने जताया रोष। रंजीत सिंह को लेकर महासभा ने जताया है रोष, महासभा ने जताया जिलाधिकारी व एसपी को सौंपा ज्ञापन। डीजी हेल्थ समेत सीएमओ के साथ ऑनलाइन की बैठक, बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक ने कहा टीबी को 2025 में खत्म करने का लक्ष्य तय। हरदोई में स्कूली वैन और जेसीबी में हुए भिड़ंत हादसे में 8 बच्चों सहित 9 की घायल, नारायण पब्लिक स्कूल आते वक्त हुआ हादसा। बरेली में नगर पालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अभियान चलता देख दुकानदारों में मचा हड़कंप।
रायबरेली में नहर की पटरी के किनारे मिला खून से लथपथ अधेड़ का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में बढ़ती ठंड को देखते हुए रेनकूट के समाज सेवियों का पहल, ग्रामीण इलाके में जाके जरूरतमंदों को बांटे कपड़े। रायबरेली में सिंचाई विभाग की लापरवाही से 50 बीघा गेहूं की फसल हुई जलमग्न, किसानों में मचा है हड़कंप। अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच हुआ है बड़ा हादसा, एक दूसरे से टकराए तीन वाहन, भिड़ंत में के कारण एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। बुलंदशहर में सर्दी से पहले कोहरे का कहर, बुलंदशहर से टकराए तीन दर्जन वाहन, हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाओं की खुली पोल, जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया घायलों का उपचार। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने देर राती रैन बसेरों की जानी हकीकत, जिलाधिकारी ने बेहतर सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। गोंडा में दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, पीड़ित महिला की अब तक नहीं हुई है सुनवाई, उल्टे पुलिस ने महिला के खिलाफ लिखा मुकदमा। हमीरपुर में मौसम ने ली है करवट, जनपद में छाई भीषण कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कम होने से नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों की रफ्तार हुई कम। लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, बोले 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू हुआ है साइन। कानपुर के मछरिया टेम्पो स्टैंड के पास अवैध ट्रैक्टर में लगी है भीषण आग, आग लगने से लाखों का नुकसान, कई दुकानें जलकर हुई खाक। राजधानी लखनऊ में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा कराया गया मुक्त, कब्जा मुक्त कराने के लिए एलडी और भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। प्रयागराज में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में मारपीट का मामला, सुरक्षा गार्ड ने विवेकानंद पाठक सहित 8 छात्रों पर दर्ज कराया एफआईआर। रायबरेली में पत्नी ही पति की हत्या की कातिल निकली, हत्या कर घर की बाउंड्री वॉल पर फेंका शव, महज चंद दिनों में खुले राज। अलीगढ़ में पठान मूवी का बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दी है चेतावनी, चेतावनी देते हुए एसीएम को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों द्वारा जन्मदिन पर तलवार से खुलेआम केक काटने का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। कुशीनगर में दिव्यांगजन को किया गया उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का किया गया वितरण। गोंडा में स्कूल के पास युवती का शव मिलने से सनसनी, गन्ने के खेत से बरामद हुई युवती का शव, घरवालों का हत्या कर फेंकने के आरोप। लखनऊ में बीए की छात्रा की हत्या, नगराम में बाग के पास खेतों में मिला शव, कीचड़ से सने थे पैर और कपड़े, चप्पले गायब। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले बाराबंकी में शिखर सम्मेलन, एक दिन में साइन हुए 500 करोड़ से ज्यादा के एमयू, समिट का लक्ष्य पूरा। गाजीपुर में बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, मीटर बाईपास करके बिजली चोरी करते पकड़े गए 12 लोग, विजिलेंस थाने में दर्ज हुई है एफआईआर।
कौशाम्बी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टर्नो से लूटपाट की कोशिश। कलेक्ट्रेट कॉलोनी के गेट पर देर रात हमला। होटल से खाना खाकर लौट रहा था वापस। गाजियाबाद में स्क्रैप कारोबारी से 44 लाख लूटे। बदमाशों ने हथियार मारकर कार का शीशा तोड़ा, बैग लूटकर फायरिंग कर भागे। मुरादाबाद में पसमंदा मुस्लिम मंच का प्रदर्शन। कहा, बुनकरों के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगाए सरकार, पुरानी व्यवस्था बहाल करे। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर धुनाई। मेरठ में मां बाप भाई ने बेटी के प्रेमी को गिराकर पीटा, लड़की चिल्लाती रही, पापा प्लीज छोड़ दो। बिजनौर में डीएम ने रैन बसेरे का किया निरीक्षण, कमी पाए जाने पर जताई नाराजगी, समुचित व्यवस्था करने का दिया है निर्देश। शामली में परिवार को बंधक बना के लूटे बदमाशों ने कमरे में किया बंद, पूरा घर खंगाला, जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। वन विभाग ने पकड़ी 16 लाख की अवैध लकड़ी। कुशीनगर में लकड़ी भरा ट्रक कब्जे में लेकर वाहन चालक को किया गिरफ्तार। गोंडा के खजूरी ग्राम सभा में नहर काटने से हजारों बीघा फसल हुई बर्बाद, किसान परेशान, नहीं हो रही है कार्रवाई, सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार की खुली पोल। लखनऊ तालकटोरा में भाई ने भाई के रिश्ते को ही शमसार किया है, सगे भाई ने सगे भाई पर किया है कैंची से कई वार, बड़े भाई की हालत गंभीर। बुलंदशहर में पुलिस के एक बाल को चुनौती, कोर्टरूम में वकील ने मारा दरोगा को थप्पड़, डिस्ट्रिक्ट बार से ताल्लुक रखता है आरोपी वकील। फतेहपुर में कोहरे के कारण ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में कार सवार 3 शिक्षक घायल, हालत गंभीर, कानपुर में से रेफर। ललितपुर में डीजे संचालक पर तलवार से हमला, मन माफी गाना नहीं बजाने पर दबंगों ने मारा, बचाने आए 2 लोग भी घायल। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।